रविन्दु ग्रासे हरिजन्म काले कन्या प्रदाने द्विज भोजने च, ब्राह्मणों का नौता कर दिया है। जब तक ब्राह्मण भोजन नहीं कर रहे तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। प्राण प्रयाणे हरिवासरे च, प्राण निकल रहे हो उस समय व्रत करना चाहिए जिससे सात्विक वृत्ति जागृत रहे। आचार्यों ने इसका दूसरा भी अर्थ किया है, बोले कोई आदमी आसपास मर गया हो तो जब तक उसे जला नहीं दिया जाए, जब तक उसका अग्नि संस्कार न हो जाए तब तक भोजन नहीं करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। प्राण प्रयाण है हरिवासरे च, एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। यो अन्न भोजी नरक कम प्रयाति, इतने समय जो भोजन करता है उसे नरक जाना पड़ता। हंस गए व्रत कर लो तो ठीक ठाक है, नहीं तो फिर डॉक्टर तो कराएगा ही। ये मशीन चल रही है पेट में, कम से कम एक आध दिन तो इसको विश्राम दिया करो, और नहीं विश्राम दिया रात दिन इसको चलाया तो फिर मोती जरा निकलेगा, टाइफाइड, तो डॉक्टर कह देगा कि 40 दिन तक अन्न इनके पेट में नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमारे जो नियम है वो बहुत सही नियम है, इनको धारण कर। धर्म का अर्थ क्या होता है? धारणा धर्म इत्यादि, जो जीवन को धारण करे। ये सोचोगे ये तो पुरानी बात है, तो मुँह से भोजन करना बहुत पुराना हो गया, नाक से श्वास लेना बहुत पुराना हो गया, तब जाने इन पुरानी बातों को छोड़ दो। तो ऐसे ही हमारी आदर्श बातें, इनको चलते रहना चाहिए। देवासुर संग्राम हुआ, अब बलि के पहुँचे जा करके बलि गुरु शुक्राचार्य के पास, कहा महाराज हमारे साथ धोखा हो गया है, अमृत की मेहनत हमने की हो दैत्यों ने ले लिया है। तब शुक्राचार्य जी ने अपने उससे संजीवनी विद्या से दैत्यों को हृष्ट पुष्ट किया है। बलि ने सोचा कि मेरे गुरु में तो बड़ी सामर्थ्य है, तब बलि ने शुक्राचार्य जी की सेवा करी। शुक्राचार्य जी प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहते हो? महाराज धोखा हो गया, मैं चाहता हूँ तीनों लोगों पर मेरा अधिकार हो जाए, आप ऐसा उपाय कराइए। तब शुक्राचार्य जी ने विश्वजीत नाम का यज्ञ कराया, और विश्वजीत यज्ञ के सहारे तीनों लोगों पर राजा बलि का अधिकार हो गया। अब देवता मारे मारे घूमने लगे, क्योंकि स्वर्ग में बलि का अधिकार। फिर शुक्राचार्य से बलि ने कहा कि महाराज आपने अनुष्ठान के बल से अधिकार तो करा दिया, पर इंद्र का सही पद तब मिलता है जब सौ अश्वमेध यज्ञ हो जाते हैं, न हो तो मुझे सौ अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दे दो, जिससे सही रूप से भी मुझे इंद्र पद भी मिल जाएगी। तब भृगुकच्छ संगे थे, जिसे आजकल भणोज कहते हैं, ये नर्मदा के उत्तर किनारे पे बसा हुआ नगर है, उस भृगुकच्छ में राजा बलि के लिए और स्वाश्वमेध यज्ञ की दीक्षा है थे शुक्राचार्य ने दे दी। 99 यज्ञ पूरे हो गए। अब माता अदिति घबराई, ये कश्यप जी की दो पत्नियाँ हैं अदिति और दिति, दिति के दैत्य हुए, अदिति के देवता हुए, दिति रपत्यम दैत्या, हमारे महाराज जी बैठे हैं आचार्य जी पढ़ाते हैं, इनको मालूम दिति के जो पुत्र हैं वो दैत्य कहलाते हैं, अदिति के पुत्र आदित्य माने सूर्य देवता इत्यादि। अब अदिति घबराएं के तो 99 यज्ञ पूरे हो गए, अब ये जाने वाला है राज इनका विधान से। सो एकदा कश्यप तस्या आश्रमम भगवान अगात, कश्यप जी आश्रम पे आए। अब देखो भाई भाई लड़ते हैं दोनों के दोनों, एक ही पिता के संतान है। कश्यप का अर्थ होता है वैसे जीव, और दिति माने आसुरी भावना, और आदिति माने दैवी भावना, ये भी अर्थ है इस कथा में, कथा में सब अर्थ भरे हुए। सो एवं पुत्रे सुनष्टे सुदेव माता अदितिस्तदा, अदिति ने देव माता ने भगवान कश्यप से कहा कि महाराज मेरे पुत्रों को बड़ा कष्ट है, ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे पुत्रों का राज्य फिर आ जाए। तब कश्यप जी हंसे हैं अपने मन में, और कश्यप जी कहने लगे अहो माया बलम विष्णु इसने बद्ध मेदन जग, देखो भगवान की माया, एक दूसरे के चक्कर में पड़े हुए हैं सबके सब, नहीं तो कहाँ ये देह और कहाँ जो है आत्मा, को देह हो भौतिको अनात्मा, कुछ आत्मा प्रकृति पर, कहाँ तो अनात्मा देह प्रकृति से और कहाँ आत्म तत्व प्रकृति से परे, कस्य के पति पुत्र आदि, कौन किसका पति कौन किसका पुत्र, मोह ये वही कारणम, केवल मोह ही इसमें सब कारण बना हुआ है, ये माया बड़ी विचित्र है। आपने दुर्गा पाठ पुस्तक पढ़ी होगी, उसमें आया है सुरथ नाम राजा श्री समस्ते क्षितिमंडले, एक सुरथ नाम का राजा था, उसका राज्य चला गया, वो वन में घूम रहा था, उस वन में
एक महात्मा वो वैसे घूम रहा था, समाधि नाम वैसे, उसका नाम था समाधि, वो बहुत दुखी था। राजा को मिल गया, राजा ने कहा कि तुम दुखी कैसे हो, यहाँ कैसे घूम रहे हो। उसने कहा महाराज क्या बताऊँ, मेरे घर वालों ने मुझे पीट पाट के निकाल दिया है और मेरा सब सामान ले लिया और मैं यहाँ आ गया हूँ। अब मुझे घर वालों की याद आ रही है। अब देखिएगा ये है माया भगवान की, ये दुर्गा पाठ की पुस्तक की कथा है। वो वैसे कहता है कि मेरे को घर वालों ने पीट पाट के निकाला है और फिर भी मेरे को घर वालों की याद आ रही है, इसमें कष्ट हो रहा है कि घर वाले कैसे हों। राजा ने कहा जब तुम्हें पीट पाट के निकाल दिया, तुम्हारा अपमान किया, फिर याद क्यों करते हो। उसने कहा मेरा मन नहीं मानता है, यही तो सबका खेल हो रहा है। अब राजा भी सोचा कि मेरा भी हाथी चला गया, कोष चला गया और मुझे मालूम है कि नहीं मिलेगा, पर मुझे भी याद आती है, अब क्या किया जाए। तब दोनों के दोनों मेधा ऋषि पर पहुँचे और मेधा ऋषि से कहा है कि महाराज इसको पीट पाट के निकाल दिया घर वालों ने, तो भी ये घर वालों की चिंता कर रहा है और मेरा राज्य चला गया, हाथी चला गया, मुझे मालूम है कि मेरा कोष और हाथी नहीं मिलेगा, फिर भी मुझे चिंता लगी है, ये बात क्या है। तब मेधा ऋषि ने कहा ज्ञान नाम अपचेतांसी देवी भगवती हिसा और बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। बोले यही महामाया है कि जबरदस्ती मन को खींच देती है, तुम जानते हो फिर भी मान नहीं सकते हो, यही आश्चर्य है। अहन्य अहन्य भूतानि गच्छन्ति यम साधनम और शेष आ जीवित तुम इच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। सब जानते हैं कि सब चले गए और शेष सोचते हैं कि हमको जाना ही नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया और मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आते हैं वही माया को पार कर सकते हैं, अपने बल से तो माया पार हो ही नहीं सकती है। इसलिए भगवान का नाम जपते रहो, कहते रहो भगवान तो आकाश से भी सूक्ष्म है, सर्वत्र व्याप्त हैं, सबकी सुनते हैं, मन में जो सोचोगे उसे सुन लेते हैं। तुम सच्चे मन से कहोगे तो निश्चित हमारी भगवान सुनेंगे, हमारी सहायता है ते करेंगे। इसलिए मन में सोचा कश्यप जी ने कहाँ पुत्र कहाँ माता, कश्य के पुत्र पुत्राद्या के मोह एव कारण। पर सोचा कि व्यवहार में तो उपदेश देना ही पड़ेगा, विवाह किया है संसार व्यवहार के लिए, इसलिए व्यवहार की बात तो इन्हें बताना पड़ेगी। ऐसे मन में सोच के कहने लगे कि देवी यदि तुम्हें पुत्रों का दुख दूर करना तो सर्वभूत गुहा वासम वासुदेवम जगत गुरुम, सर्वत्र जो व्याप्त भगवान वासुदेव जगत गुरु हैं उनको प्रकट कर लो तो तुम्हारे पुत्रों का दुख दूर हो जाएगा। क्यों जी संपूर्ण संसार में भगवान है, फिर हमारी मुक्ति क्यों नहीं हो रही है। जब सभी भगवान हैं भगवान को देख रहे हैं तो मुक्त क्यों नहीं होते हैं? इसका कारण ये कि व्यापक तत्व है, ये व्यापक जो तत्व है भगवत तत्व वो निष्क्रिय होता है, उससे कोई काम नहीं चल सकता है। पूरे काठ में आग होती है, आग नहीं होती तो कहाँ से बढ़ जाती है, दिया गिलो तो इतनी बड़ी होती है, दिया सराई गिलो और लग जाती है तो काठ में से आग इतनी निकलती, कहाँ से अंदर पहले आग मौजूद है। तो पूरे काठ में आग मौजूद है पर उससे न तो रोटी सिक सकती है और न उससे ठंड जा सकती है, क्योंकि वो व्यापक आग है। और उसको यदि आप प्रकट कर लोगे तो आप भोजन भी बना सकते हो, ठंड भी जा सकती है। ऐसे ही पूरे संसार में जो भगवान व्याप्त हैं उनसे कुछ नहीं हो सकता, आपको प्रकट करना पड़ेगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। इसलिए कहने लगे कि देवी यदि तुम्हें अपने पुत्रों का दुख दूर करना है तो सर्वभूत गुहा वासुं वासुदेवम जगत गुरुम उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम। तुम भगवान की सेवा करो, पयोव्रत कर लो फागुन के महीने में, परिवार से उद्वादशी तक होगा, सो तुम्हारे पुत्रों का दुख है तो दूर हो जाएगा, भगवान प्रकट हो जाएंगे। तब पयोव्रत बताया गया है, वो मैया ने पयोव्रत ऐसे किया है। जैसे ही द्वादशी पूरी हुई, पयोव्रत का विधान है कि फागुन की अमावस्या को बन के सूकर की खोदी मिट्टी लाना चाहिए और फाल्गुन शुक्ल पक्ष की परिवा को आधी मिट्टी से स्नान करना चाहिए, आधी मिट्टी को लेके भगवान की मूर्ति बनाना चाहिए, फिर उसका पूजन करना चाहिए। ससरपि सगुणम दत्वा जुहियान मूल विद्या, फिर घी और गुड़ का भोग लगाना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से 1 से 8 बार आहुति देना चाहिए और स्वयं दूध ही दूध का पान करना चाहिए, 2 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार से 12 दिन तक करे और जब त्रयोदशी तिथि आ जाए
तब किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके उससे हवन कराना चाहिए, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस व्रत को कोई आज भी करे तो सुंदर योग की संतान पैदा होती है। कश्यप जी चले गए, मैया ने व्रत करना शुरू कर दिया, और जैसे ही त्रयोदशी तिथि आई और पूर्णाहुति हुई, सो तस्या प्रादुर्भूत तात भगवान आदि पुरुष, एकदम भगवान कुंड में से प्रकट हुए। हमारे अग्नि में से सब हुए, द्रौपदी अग्नि में से हुई, धृष्टद्युम्न अग्नि में से, माने अग्नि में बहुत बड़ा तत्व है। अग्नि की साधना करो, कोई ये अणु इत्यादि जो बनते वो भी अग्नि के सहारे ही बनते हैं, इन्हीं के आधार से विज्ञान सब इनमें भरा रहता है। पीत वासा चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधर, भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। मैया ने प्रार्थना करी, भगवान बोले कि मुझे मालूम है तुमने मुझे क्यों प्रकट किया है, पर देवी एक बात है कि इस समय जो तुम्हारा शत्रु है उसे मैं जीत नहीं सकता। इस समय प्रायोधनाते असुर यूथना था अपारणीया यति देवी में मति, हे देवी असुर यूथनाथ जो राजा बलि है उस वह अपारणीय है, इस समय उसमें बल बहुत है, उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता है। पर तुमने मेरी पूजा की है, मुझे प्रकट किया है, अथापि उपायो मम देवी चिंत्या, इसलिए मैंने एक उपाय सोचा है कि मैं तुम्हारा पुत्र बन जाऊँ और तुम्हारे लड़कों का कार्य सिद्ध करूँ। उपधाव पते भद्रे, इसलिए तुम अपनी पति की सेवा करना शुरू करो। और देवी एक बात है, मैं कैसे आऊँगा तुम्हारे, बोले पहले पति की तपस्या में मैं प्रवेश करूँगा कश्यप जी की, और कश्यप जी की तपस्या से कश्यप जी के मन में आऊँगा, और मन से तुम्हारे मन में आऊँगा, लोगों को ये लगेगा कि गर्व है और मैं तुम्हारे मन से प्रकट हो जाऊँगा। भगवान प्रकट होते हैं, पैदा नहीं होते हैं। हमारे महाराज जी जानते हैं जो यहाँ पढ़ाते हैं, अदर्शनम लोपा, हमारे यहाँ एक सूत्र है अदर्शनम लोपा, प्रसक्त से अदर्शनम लोप संग, ऐसा मौजूद चीज़ों दिखाई नहीं दे तो उसे लोप कहते हैं। तो भगवान लोप है, मौजूद हैं इस समय पर दिखाई नहीं दे रहे, उन्हें प्रकट करना पड़ता है। उत्पन्न तो वो होता है जो नई चीज बनती है, प्रकट वो होता है जो छिपी रहती है उसे बाहर निकालते हैं। तो भगवान तो व्याप्त हैं, छिपे हुए उन्हें बाहर निकालना पड़ता है। इसलिए देवी भगवान जो पैदा हो प्रकट होते हैं वो मन से प्रकट होते हैं, लगता है ऐसा कि भगवान पैदा हो गए। अंत में श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु, भगवान ने कश्यप की तपस्या में प्रवेश किया, कश्यप की तपस्या से भगवान कश्यप के मन में आए, और कश्यप के मन से अदिति के मन में आ गए। ऐसा लग रहा है कि अदिति को गर्व है, देवता स्तुति करके चले गए। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु, जब भादों का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, द्वादशी तिथि आई, ये जो अवतार हुआ है इसी मनवंतर का अवतार है। ये सप्तम मनवंतर तो चल ही रहे हैं, भगवान वामन अभी भी मौजूद है देवलोक में, उपेंद्र बने हुए हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो द्वादशी तिथि थी और दोपहर का समय था, अभिजित मुहूर्त, जिस समय एक क्षण के लिए सूर्य रुकते हैं, और श्रवण नक्षत्र था, संपूर्ण नक्षत्र तारे अनुकूल चल रहे थे, उच्च राशियों पर थे। द्वादश्याम सविता तृष्णन मध्यन दिन गतो नृप, जिसे विजया द्वादशी कहा जाता है। शुक कहते हैं कि हे राजन, ऐसे समय में भगवान चतुर्भुजी स्वरूप में मैया आदित्य के गर्भ से प्रकट हुए। बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो। अब तो सबके सब प्रार्थना करने लगे। कश्यप जी बड़े भारी प्रसन्न, दृष्टवादित्य स्तम निज गर्भ संभवम परम पुमान सम्मोदम अपविस्मिता, आश्चर्यचकित हो रही है मैया, भगवान दर्शन दे रहे हैं। और जब देखा भगवान ने कि मैया ने मुझे पहचान लिया, सो जैसे नट वेश बदलता है। सुखदेव जी कहते हैं बभूवते नैव सबामनो बटु संपश्यतो दिव्य गतिर यथा नट, ऐसे भगवान ने नट जैसे वेश बदलता है, ऐसे चतुर्भुजी तो स्वरूप त्याग दिया, और बामन अंगुल के शरीर वाले बामन भगवान है ते बन गए। बोले बामन भगवान की जय हो। हर एक आदमी का शरीर अपने 84 अंगुल का होता है, पर भगवान बामन का जो शरीर है उनके बामन अंगुल का, इसलिए बामन भगवान है ते बने हुए। 8 वर्ष की अवस्था के बने उस समय पर। सो ऋषि कहने लगे तो ब्रह्मचारी बने, इनका जनेऊ संस्कार किया जाए। जनेऊ में 96 चौवा होते हैं, न 97 हो न 95 हो, 96 क्यों होते हैं। गायत्री में 24 अक्षर हैं, चारों वेदों में गायत्री व्याप्त है, जनेऊ होने के बाद चारों वेदों का अधिकार मिल जाता है। 24 का 4 में गुणा करो 96 होता है। कई मत हैं इसमें, एक आचार्य कहते हैं कि वेद में 100,000 मंत्र हैं, उनमें 80,000 कर्म कांड के हैं, 16,000 उपासना कांड के हैं, 4,000 ज्ञान कांड के,
तो 80,000 माने गृहस्थी और 16,000 उपासना माने महात्मा बनना, उपासना में जाना, भक्ति रास्ते में जाना। तो कर्म मार्ग में भक्ति मार्ग में आपको जनेऊ पहनना पड़ेगा। कब? यदि गृहस्थी में आप जनेऊ पहने हैं तो। यदि गृहस्थी में आपने जनेऊ पहना है कर्म मार्ग में, तो उपासना में महात्मा बनने पर, भक्ति मार्ग में जाने पर आपको जनेऊ पहनना पड़ेगा। इसलिए 80 और 16 96 होते हैं, इसलिए 96 चौगा का जनेऊ होता है। जब ज्ञान मार्ग में आप प्रवेश करेंगे, सन्यासी जिस समय बनेंगे, उसमें बिरजा स्नान कराया जाएगा, उसमें तो गुणातीत बनना पड़ेगा, देह से ऊपर उठना पड़ेगा। इसलिए जनेऊ भी छोड़ना पड़ेगा, चुटिया भी छोड़ना पड़ेगा। उस समय आप देह में रहेंगे नहीं, आप तो ब्रह्म में है नहीं, आपसे कर्म ही नहीं बनेगा। तो वो कठिन मार्ग है थोड़ा सा, पर कठिन कुछ नहीं है। दिया सराय की नेक लो लगा दो, पूरी भस्म है जाएगी, चाहे कितना ढेर लगाओ उसका रुई का। ऐसे कितना भी अज्ञान हो, ज्ञान का जरा प्रकाश पहुंच जाए गुरु की कृपा से। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, तस्य ते सकला अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। इसलिए 96 चौगा का जनेऊ है तो होता है। जनेऊ संस्कार हुआ भगवान का, कमंडलम वेद गर्वम, ब्रह्मा ने कमंडल दिया। अच्छा, भिक्षा डालती है माता, तो इनकी माता कौन बनेगा? तब भिक्षाम भगवती साक्षात उमादाय अंबिका सती, पार्वती जी माता बनी है उस समय भिक्षा देने के लिए। अदिति ने तो लंगोटी दी है भगवान के लिए। ददौ कृष्णा जन्म भूमौ बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम मेखलाम कश्यपो वदात माता कौपीनम छादनम माता। अदिति ने तो लंगोटी दी है, पर भिक्षा डालने के लिए मैया पार्वती आई उस समय। सो भिक्षाम भगवती साक्षात उमादाय अंबिका सती। अब पार्वती जी ने भिक्षा दे दी, तो भिक्षा पहले गुरु को देना पड़ती है। अब वामन भगवान ने भिक्षा ले ली और गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। गुरु बृहस्पति ने कहा, इस भिक्षा से काम नहीं चलेगा, मेरे सब शिष्य परेशान है, बलि सब राज लिए लेता है। यदि आपको भिक्षा देना तो राजा बलि के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से मांग करके ले आइएगा। सो ही भगवान मुस्कराए और उसी समय भगवान चल दिए राजा बलि के यज्ञ के लिए। तम नर्मदाया तट उत्तरे बलेरिय ऋत्विजस्ते प्रभु संग कच्छ के जगाम तत्राखिल सार समृतो भारिण गाम सन्नमयन पदे पदे। पहुँच गए जाकर के छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम, जल सहित था कमंडल। जिस बाबा के कमंडल में जल नहीं हो समझ लेना खड़िया पलटन का है, अभी बाबा नया हुआ। हर एक महात्मा के कमंडल में हमेशा जल रहेगा, न मालूम कब आवश्यकता बढ़ जाए पवित्रता की। इसलिए भगवान भी छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम, दंड लिए हैं, छत्र लिए हैं, जल सहित कमंडल लिए हुए। तो हो सकता है वहाँ जो है कम संकल्प की जरूरत पड़ जाए। पहुँच गए जा करके राजा बलि ने कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवाम, महाराज स्वागत है, बताइए आपका क्या करें हम। बलि ने प्रणाम नहीं किया है भगवान को, मुँह से बोलना शुरू किया उसम, अद्य न पितर तृप्ता अद्य न पावतम कुलम पावितम कुलम, आज हमारे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आप सरी के संत मेरे यहाँ पधारे हुए हैं, ब्रह्मचारी आए हुए, जो चाहो मुझसे ले सकते हो, गाम कांचनम गुणवत् धाम मृष्टम, सोना चाहो सोना ले लो, पृथ्वी चाहो पृथ्वी ले लो, अथवा विप्र कन्या। ऐसा दिखता है कि आपका जनेऊ हुआ है तो कोई विवाह नहीं कर रहा होगा, तो मैं विप्र कन्या का भी दान कर सकता हूँ आप। अब भगवान सोचे कहीं ये बदल न जाए, क्योंकि शुक्राचार्य इसको बदलाएंगे। तो भगवान ने 3 पीढ़ी का वर्णन किया है। यह तो जातो हिरण्याक्ष, राजन तुम्हारा ऐसा कुल है जिसमें हिरण्याक्ष शरीर के वीर पैदा हुए, और इतना ही नहीं तुम्हारे बाबा प्रहलाद के पिता तो ऐसे थे कि जब भगवान विष्णु ने देखा कि हिरण्यकश्यप सब जगह पीछा करेगा, इसलिए भगवान ने सोचा कि मैं कहाँ जाऊँ। चिंतया मास का लग्यो विष्णु माया बिना मर, तब का लग भगवान विष्णु ने सोचा ऐसी जगह चलो यहाँ ढूंढे ही नहीं है। सो श्वासा नीलांतर हित सूक्ष्म देह तत् प्राण रंध्रेण बेविघ्न चेता, तब भगवान ने सूक्ष्म शरीर बनाया और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने श्वास ली, श्वासा नीलांतर हित सूक्ष्म देह, सो भगवान सूक्ष्म देह बना करके श्वास के द्वारा हिरण्यकश्यप के हृदय में बैठ गए। सो हिरण्यकश्यप दुनिया में देखता था पर अपने हृदय को कभी देखता ही नहीं था, इसलिए कह दिया उसने कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ ही नहीं। अरे खम्भ में जब प्रहार किया है हिरण्यकश्यप ने, तो भगवान कहाँ से आए थे,
हृदय में बैठे थे सो हृदय से निकल बैठे हैं नरसिंह बन करके। भगवान दूर थोड़े ही हैं, सबके हृदय में बैठे हुए हैं, पर फुर्सत नहीं है हृदय को देखने की। परान चखानी व्यतरणत स्वयंभूत अस्मात् पुराण पश्यतिनांतरात्मन। नौ युग से राजा जनक को उपदेश दे रहे हैं, राजन इंद्रियां जो है परान चखानी, खाने मान इंद्रियां, इंद्रिय परांगमुखी कर दिया है, बहिर्मुखी कर दिया है, सो हमेशा बाहर देखती रहती। कश्चित धीर प्रत्येगात्मान, कोई धीर होता है जो बाहर से रोक करके अंदर देखता है, उसी को अमृत मिलता है। 24 घंटे में 2-4 बार तो देख लिया करो कि अंदर क्या हो रहा है, नहीं बाहर ही बाहर देखते रहते हैं। सो सूक्ष्म देह बना करके प्रवेश कर गए राजन, डर के मारे, ऐसा तुम्हारा कुल है। तुम्हारे पिता जो विरोचन थे, देवता हारने लगे उनसे, तब देवताओं ने ब्राह्मण का रूप बनाया और राजा विरोचन से मृत कहा कि तुम अपनी देह दे दो, तो मृत्यु का वर्ण तुम्हारे पिता ने किया, ऐसा तुम्हारा कुल है। सो राजन मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं केवल 3 चरण पृथ्वी चाहता हूँ और सम्मतानि पदानि पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मतानि पदानि मम, और वो भी 3 चरण पृथ्वी मेरी चाहिए। मैं संध्या कर रहा था एक जगह, मुझे हटा दिया गया, मेरे 3 चरण में मेरी संध्या हो जाएगी, मुझे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। बोले बलि भोले ब्रह्मचारी निरे बालक हो, अरे ऐसी लघु याचना से मन क्यों घटाते हो। दीपदाशम, मैं तुम्हारे सामने दीप देने वाला खड़ा हुआ हूँ, कलवृक्ष तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम बालक दिखाई देते हो। वाचस्ते वृद्ध सम्मता, तुमने बातें तो ऐसी करी जैसे कोई बूढ़ा आदमी करता है, मेरी पीढ़ियों का वर्णन किया, पर मांगने में तो बालिश दिखाई दे रहे हो। बालिश कहते हैं मूर्ख के लिए संस्कृत में, और मांगने में तो बिल्कुल कमजोर दिखाई दे रहे हो। भोले बलि भोले ब्रह्मचारी निरे बालक हो, ऐसी लघु याचना से मान क्यों घटाते। दुनिया सुनेगी कहेगी बलि को शर्म नहीं आई, इतना छोटा ब्रह्मचारी उसके 3 चरण पृथ्वी दी। भोले बलि भोले ब्रह्मचारी निरे बालक हो, ऐसी लघु याचना से मान क्यों घटाते हो। अल्पमत कल्पतरु पा करके आज तुम, और काहे मांगने में विप्र देव सकुचाते हो। 3 पग पृथ्वी तुम्हारी नाप कितनी सी, और बामन अंगुल कुल गात में दिखाते हो। मंजुल विनोद त्याग याचना में और कछु, और वस्तु सविशेष बट क्यों नहीं बताते हो। ब्रह्मचारी और कुछ मांगो नहीं, मेरी हंसी होगी। भगवान बोले भैया मुझे तो संतोष वृत्ति प्राप्त हो गई है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरे समान। एक और ध्यान रखना, चाँच इतना कमा लेना, जब तक संतोष वृत्ति नहीं आएगी तब तक कमाने पर भी सुखी नहीं हो सकते हो। और संतोष का मतलब ये नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना घर में, संतोष का मतलब है कि 1 लाख रुपए का काम करो, खूब मेहनत करो, और 2 पैसे मिल जाए तो उसमें प्रसन्न रहो कि भाई हमने काम तो बहुत किया, नहीं मिला तो हम क्या करें, इसको संतोष कहा जाता है। इसलिए पतंजलि महाराज ने लिख दिया है योग सूत्रों में कि संतोषाधन उत्तम सुख लाभ, संतोष से ही श्रेष्ठ सुख मिलता है, बिना संतोष के सुख प्राप्त ही नहीं हो सकता। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे श्री ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। और सो हरिदास विचार कहे संतोष बिना सब जीव दुखारी। अच्छा, धर्मरथ में संतोष को कृपाण बताया गया है। जब युद्ध हुआ है रावण से और भगवान राम से, तो रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा। रावण के पास रथ और भगवान के पास रथ ही नहीं था, पैदल खड़े थे। रावण रथी विरथ रघुवीरा, और देख विभीषण भय अधीरा। महाराज विजय कैसे होगी। तब भगवान राम ने कहा कि भैया मेरे पास धर्म रथ है, सौरज धीरज जिह रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा दया समता रज जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना, अमल अचल मन त्रोण समाना, और संयम नियम सिली मुख नाना, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा,
यही समय विजय हो पाए न दूजा। सो भैया महा अजय संसार जीत सके सो वीर, और जाके असदृढ़ होय रथ सुनो सखा मद धीर। मेरे पास तो धर्म रथ है, संसार अजय उसे कोई जीत नहीं सकता, पर मैं मेरे पास धर्म रथ है। तो धर्म रथ में लिखा है कि संतोष कृपाणा, ये सौर धैर्य ब्राह्मणों की पूजा संयम नियम ये सब होंगे तब कहीं संसार में विजय होगी। तो इसमें संतोष को कृपाण बताया गया है। कृपाण में और तलवार में अंतर होता है। तलवार में एक तरफ धार होती है, एक तरफ का शत्रु मरेगा, और कृपाण में दोनों तरफ धार होती है और नोक होती है। तो कृपाण से तीन प्रकार के शत्रु मरेंगे। एक तो सामने का शत्रु मरता है नोक से, और दाहिनी तरफ का शत्रु दाहिनी धार से मरता है कृपाण की से, और बाईं तरफ का शत्रु बाईं धार से मरता है। यदि आपके पास संतोष कृपाण है तो तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ और मुन विज्ञान धाम में करें निमिषमाक्षो। तीन ही प्रबल शत्रु हैं हमारे, काम क्रोध और लोभ, नाथ नरक के पंथ। यही दरवाजे, काम क्रोध लोभ को छोड़ दो, भगवान का सान्निध्य हो जाएगा, पर बड़े कठिन है। यदि आपके पास संतोष कृपाण है तो ये तीनों मारे जाएंगे। क्रोध हमेशा सामने वाले पे आता है, क्रोध का आक्रमण सामने से होता है, और यदि संतोष कृपाण आपके पास है तो नोक से वो क्रोध मर जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम जी के सामने परशुराम जी आए, लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं संतोष तो पुण्य कछु कहू, और जन ऋष रोक दुस है दुख सही, मारा संतोष नहीं हो तो ऋष कर लो, गुस्सा कर लो। माने संतोष से क्रोध नष्ट होता है, सिद्धांत निकला है। अच्छा, लोभ का आक्रमण हमेशा दाएं तरफ से होता है, क्योंकि दाएं हाथ से दान दिया जाता है। और यदि आपके पास संतोष कृपाण है तो लोभ को आप नष्ट कर सकते हो दाएं धार से, और इसका सिद्धांत बताया है तुलसीदास जी ने कि कैसे नष्ट होता है। उदित अगस्त, उदित अगस्त पंथ जल सोखा, जिम लोभ है सोख है संतोषा। माने संतोष से लोभ नष्ट होता है, और काम का आक्रमण बाईं तरफ से होता है, क्योंकि स्त्री वामांग में रहती है। यदि आपके पास संतोष है तो काम नष्ट हो जाएगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिनु संतोष न काम न साई, और काम अछत सुख सपने उनाई। संतोष से काम नष्ट होता है। तो संतोष यदि आपको आ गया है तो काम क्रोध लोभ नष्ट हो जाए, पर संतोष आना बड़ा कठिन है। आप करोड़पति बन सकते हो, सैकड़ों मकान बना सकते हो, पर संतोष को नहीं ला सकते हो। ये तो धर्म रथ का अंग है, ये तो भगवान की कृपा के बिना आ ही नहीं सकता है। असंतोष नहीं है तो क्या करें हम? मोटर का ड्राइवर जो होता है, जो होशियार ड्राइवर होता है, अपने आदमी को बैठा के ले जा रहा है, और रास्ते में पहिया निकल गया या पंचर हो गया, और दूसरा पहिया है नहीं, तो ड्राइवरों की इतनी जान पहचान होती है कि कोई आएगा तो उसे मांग लेंगे और लगा देंगे और तुम्हें घर भेज देंगे। तो ये धर्मरथ का ड्राइवर कौन है, सारथी कौन है? बोले ईश भजन सारथी सुजाना, ईश्वर का भजन ही सारथी है। यदि आपके पास संतोष नहीं है तो भगवान का भजन करो, तो भगवान का भजन करोगे तो भगवान का भजन सारथी है। संतोष इत्यादि जो चीज़ नहीं है वो सबको पैदा कर देंगे, इसलिए संतोष बहुत आवश्यक है। आज भगवान वामन इसी संतोष का उपदेश दे रहे हैं कि राजन मुझे तो संतोष प्राप्त हो गया है, मैं अपने तीन चरण से जाना नहीं ले सकता हूँ। जब जाना हुआ तो कहा बलि ने कहा ठीक है, नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अब शुक्राचार्य जी खड़े हुए थे, उन्होंने सोचा इतना छोटा ब्रह्मचारी हो अपने तीन चरण से आगे नहीं बढ़ रहा, कोई चक्कर तो नहीं है। जो देखा शुक्राचार्य जी ने योग दृष्टि से, देखा तो भगवान विष्णु वामन बने हुए हैं। शुक्राचार्य जी कहने लगे अरे बलि ये सवई रोचना साक्षात भगवान विष्णु रव्यया, ये तो भगवान विष्णु है और बालक बन के आए हैं। कश्यपाद अदिति रिजातो, ये कश्यप के द्वारा अदिति से प्रकट है, देवानाम कार्य साधक, देवताओं का कार्य सिद्ध करेंगे। तुम सोचो कि तीन चरण पूरे हो जाए, सो तीन चरण पूरे होने वाले नहीं है, दो में ही नाप लेंगे सारे लोग, और तीजे पग दान हेतु भूमि कहाँ न्यारी है। तीन लोग हैं वो तो दो पैर में ही नाप देंगे उन इनको तीनों लोगों को, और दे करके वचन संकल्प करके यदि नहीं दिया तो होगा अधो वास नृप राय ये हमारी है। संकल्प करके यदि नहीं दिया जाता तो नरक जाना पड़ता है, इसलिए राजन मना कर दो कि मैं तुम्हारे तीन चरण नहीं दे सकता हूँ। तुम ये सोचोगे ये झूठ बोलना पड़ेगा। सो राजन
इतनी जगह झूठ बोलने का जो दोष नहीं है। स्त्री सुनर्म विवाह हिच व्रत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण अर्थे हिंसायाम नानृतम स्या जुगुप्सितम। एक तो स्त्रियों के साथ झूठ बोलने में दोष नहीं है, क्योंकि इनको साप लगा हुआ है, युधिष्ठिर महाराज का साप लगा हुआ है। कुंती माता जब महावीर कर्ण मारे गए तो कुंती माता रोने लगी है, क्योंकि उनके तो लड़के ही थे कर्ण। युधिष्ठिर ने कहा मैया तुम रोई कैसे आज? तब कुंती ने सही बात बताई कि बेटा तुमने आज शत्रु नहीं मारा, अपने बड़े भाई को मार दिया है। कर्ण मेरा पुत्र था, सबसे बड़ा लड़का था मेरा। युधिष्ठिर मूर्छित हो गए उस समय, और जब जगी है मूर्छा तब कहा मैया तू इस बात को पहले बता देती कि कर्ण हमारे बड़े भाई है तो हम युद्ध ही नहीं करते, पूरा राज्य छोड़ देते। और मैया तूने छिपाव किया हमारे साथ, हमने अपने भाई को मारा, मैं श्राप देता हूँ कि आज से स्त्रियों के पेट में बात नहीं छिपेगी। तो इनका हृदय बहुत कोमल होता है, ये सब बात कह बैठती हैं। कोई अपवाद स्वरूप दो चार भलाइयों पर हृदय कोमल होता है, तो जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है और बात छिपाना है उसमें असत्य आता है तो आप बोल सकते हो, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए उसे। स्त्री सुनर्म हंसी में झूठ बोल सकते हो आप, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि एन केन प्रकारेण यस्य कस्या विदेहनम संतोषम जनेद प्राज्ञ तदेव ईश्वर पूजनम। जैसे कैसे किसी को प्रसन्न करो तो भगवान की पूजा ही मानी जाती है, इसलिए हंसी में झूठ बोलने का दोष नहीं है, विवाह में झूठ बोलने का दोष नहीं है। लड़का लड़की अच्छे घर में जा रहे हैं, थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, जीवन भर सुखी रहेंगे आप बोल सकते हो, दोष नहीं है उसमें। इसलिए पहले जमाने में जब विनती करते थे पंडित लोग तब सरासर झूठ बोलते थे, आ आते तो मंदिर बहुविधई रास आ देते ही रास नहीं। हे संबंधी जी हमारी बारात आई तो हमें बड़े आनंद मिले, हमें कपूर के समान भोजन मिले और अमृत के समान जल मिला। पहले अब तो बारात जाती नहीं, पहले ज़माने में हम छोटे छोटे थे तो बारात जाती थी तो रात भर जो है खलिहान में पड़ी रहती थी और गोरा घड़ा रहता था, उसमें पानी भरा रहता था, गरम गरम पानी पीते थे, भोजन मिल गया तो मिल गया, दूसरे दिन जा करके जब विनती हो जाती थी तब भोजन मिलता था। उस विनती में पंडित लोग सरासर झूठ बोलते थे कि कपूर के समान, तो दोष इसीलिए नहीं लगता था कि विवाह में झूठ बोलने का दोष नहीं होता है। और वैसे पंडित झूठ भी नहीं बोलते थे, झूठ उसे कहा जाता है जिसे कोई नहीं जाने और फिर कह दो। अब पूरी बरात तो गर्म पानी पीती रही है, खराब भोजन करती रही है, अकेले पंडित चिल्ला रहे कि ठंडा पानी मिला, बढ़िया अमृत के समान था। अच्छा तो झूठ तो नहीं हुआ, फिर भी कोई माने तो एक बात और है कि दो आदमी गर्म पानी को ठंडा बता सकते हो, खराब भोजन को अच्छा, एक तो पागल या प्रेम में मत भाला। तो पंडित जी पागल तो थे नहीं उस समय, क्योंकि वो विनती करते थे, प्रेम में मतवाले कह सकते हो। अब आप कहोगे कि प्रेम में मतवाला कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने गर्म पानी को ठंडा बताया हो? तो जिस समय भगवान कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेके गए हैं दुर्योधन के पास, और दुर्योधन से कहा कि तुम आधा राज्य मत दो, केवल 5 गांव दे दो, पांडवों को मैं संधि करा दूंगा। दुर्योधन ने साफ मना कर दिया कि सूच्यग्रम नहीं वदास्यामी बिना युद्धे न केशव। केशव हम क्षत्रिय, हमारे यहाँ धनुष का शस्त्रों का बंटवारा होता है, जमीन का बंटवारा हम क्षत्रियों में नहीं होता है, हमारे शस्त्र बट चुके हैं, जिसके शस्त्र में सामर्थ्य वही अपना जमीन बढ़ाए, मैं राज्य नहीं दे सकता। सूच्यग्रम नहीं वदास्यामी, तुम 5 गांव की बात करते मैं सुई की नौ के बराबर नहीं दूंगा। सूच्यग्रम नहीं वदास्यामी बिना युद्धे न माधव। तो भगवान रुष्ट हो गए, बहुत प्रयत्न किया दुर्योधन ने, भगवान भोजन करने नहीं किया। विदुरानी के यहाँ पहुँचे तो विदुरानी के यहाँ कुछ नहीं था, केले के फल थे। तो विदुरानी प्रेम में इतनी पागल हो गई है कि मेरे घर में भगवान आए, क्या उन्हें पता नहीं कि मैं क्या खवा रही हूँ? वो क्या करती थी विदुरानी कि अंदर की जो फली थी उसको तो बाहर फेंक देती और छिलके खवाए भगवान। तो आचार्य लोग कहते हैं कि उन छिलकों में प्रेम के कारण भगवान को ऐसा स्वाद आया है कि एक सबरी एक विदुर घर तृप्त वहे दो बार। जीवन में भगवान दो ही बार तृप्त हुए, एक तो सबरी के झूठे बेरों से और क्या विदुरानी के केले के छिलकों से। तो जब प्रेम में भगवान कृष्ण को छिलकों के अंदर सटरस व्यंजन का स्वाद आ सकता है, तो बेचारे पंडित जी को यदि प्रेम में गर्म पानी ठंडा दिखाई देता हो तो कौन सी बड़ी बात। अब पंडित लोग बड़ी खुशी मनाते, पहले ज़माने में जब विनती की जाती थी तो पंडित लोग एक एक महीने से तैयारी करते थे कि हमको सबके सामने बोलना पड़ेगा और उधर से भी कोई ना कोई पंडित आएगा। अच्छा कोई बड़ा पंडित आ गया बारात में और पंडित दूसरा कमज़ोर है, तो लड़की वाला पंडित कह देता था कि महाराज
हमारे पेट में दर्द हो रहा है, दोनों तरफ से आप ही विनती कर देना। बेचारे को एक कोई करना पड़ती दर्द की मार। अब पंडित खुशी मनाते हैं, हे प्रभु आपने बड़ा अच्छा किया, एक दिन का विवाह कर दिया और टीका पे कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ तो बाजे बजते रहते हैं, चाहे सीताराम कहो चाहे गणेश जी का मंत्र बोलो। और रही ब्याह की बात, तो वीडियो वाला आ जाता है, वो इधर उधर को सरकाता रहता है, सोमा भी बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए पंडितों को यदि विद्वान रखना है तो भले ही एक दिन का ब्याह है तो अभी विनती जरूर करवाते रहना। आप कहो कि हम अच्छा भी इंतजाम कर देंगे, फिर विनती की क्या ज़रूरत है। कैसा भी इंतजाम करो तो अभी मुंडे रचन बिना कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। शंकर जी की बारात गई, देवताओं का इंतजाम, बारात बैठ गई भोजन करने के लिए, परसने वाले चल दिए। अब पहले नंबर पर जो बैठा था वो परसने वाला, पत्तल परसने वाला, उसके चारों ओर चक्कर काटे और सब पीछे खड़े, पानी परसने वाले, सामान परसने वाले। पत्तल वाले से कहा, तुम चारों ओर चक्कर क्यों काट रहे हो? उसने कहा, मेरी समझ में नहीं आता पत्तल कहाँ डाली जाएगी। क्यों, भगवान शंकर की जो बारात गई थी को मुख ही न विपुल मुख का, कोई तो बिना मौके था, किसी के कई मुँह थे, तो पहले नंबर पर बिना मौका बैठा था, अब उसे मुँह ही नहीं देखा तो पत्तल कहाँ डाले वो। तब कहा कि भाई बाद में इसका इंतजाम करेंगे, आगे चलो। सो आगे पहुँचे सो सदानंद बैठे, अब छः मुँह उनके। अब पत्तल वाला कह गए, इनको छः पत्तलें डाली जाएंगी कि एक पत्तल डाली जाएगी, शरीर एक है मुँह छः, अब क्या किया जाए। तो जब भगवान शंकर की बारात गई तब ये हाल हो गया देवताओं का, तो हम तो कर ही क्या इंतजाम सकते हैं, इसलिए विनती जरूर कराओ, भले ही एक दिन का ब्याह हो तो जैसे पंडित विद्वान बने रहेंगे। और स्त्री सुनर्म विवाह है च प्रत्यर्थ है प्राण संकटे, इसलिए विवाह में झूठ बोलने का दोष नहीं होता है। संबंधियों का प्रेम होना चाहिए कैसे भी, इसलिए इस प्रकार से विनती करते थे। जीविका जा रही हो तो झूठ बोल सकते हो, अपना जो है धर्म से यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च। शुक्राचार्य जी कहते हैं धन के पाँच हिस्से करना चाहिए, एक हिस्सा धर्म में लगाना चाहिए, एक हिस्सा यश कमाने में लगाना चाहिए, धर्म से यश से अर्थ आए, एक हिस्सा पैसा कमाने में लगाना चाहिए, एक हिस्सा अपनी इच्छा पूर्ति में रखना चाहिए, और एक हिस्सा अपने भाई बंधुओं के इंतजाम के लिए रखना चाहिए। जो अपने धर्म के पांच हिस्से कर लेता है वो यहाँ भी सुख प्राप्त करता है, परलोक में भी सुख प्राप्त करता है। ऐसा जब वर्णन करना शुरू किया कि संकल्प मत करो तुम झूठ बोल दो, बलि ने कहा कि महाराज अब साक्षात भगवान ही आ गए तो मैं अब झूठ तो नहीं बोल सकता हूँ। अब देखो, गुरु बिनु भवन दे तरह न कोई और जो बिरिंच शंकर सम होई। बलि को पता नहीं था कि भगवान है, बताया तो शुक्राचार्य जी नहीं बताया, गुरु नहीं बताया कि तेरे सामने भगवान खड़े। जो बलि ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ अब, सो ही साप दिया शुक्राचार्य ने, दृढ़ पंडित मान गए स्तब्ध हो अस्मदोपेक्षया। अरे पंडित मानी बलि, मैंने ही बढ़ाया तुझे और मेरी अवहेलना कर रहा है, अचिराध भ्रष्ट स्त्री, अब तेरे पास लक्ष्मी नहीं रहेगी। और भगवान यही चाहते थे कि बलि तब नष्ट हो सकते हैं, तब इनका धन लिया जा सकता है, राज्य लिया जा सकता है, जब तक शुक्राचार्य नहीं कहेंगे, क्योंकि शुक्राचार्य ने बढ़ाया है। जो शुक्राचार्य के मुख से साप निकली तो ही भगवान कहने लगे कि मुझे जल्दी से दान करो। विंध्यावली सदागत्य पत्नी जालकमालिनी, महारानी विंध्यावली आ गई, टोंटनी में से जल गिरना शुरू हुआ। तो यहाँ तो कथा नहीं है, पर सुना जाता किसी पुराण में आया है कि शुक्राचार्य टोंटनी में बैठ गए कि जब तक जल ही नहीं गिरेगा तब तक संकल्प पूरा ही नहीं होगा। अब जल नहीं गिरा तो भगवान ने कुशाण सप्तऋषियों, ददु सप्तऋषियों ने कुशाएँ दी थी जिस समय जने हुआ था, उस समय एक कुशा डाल दिया, शुक्राचार्य की आँख समाप्त हो गई है, निकल के बाहर आ गए हैं, जल गिरने लगा है। अग्नि पुराण में कथा आई हुई है कि शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से उस आँख को फिर अच्छा कर लिया है, पर बड़े आदमी थे, नाम हो गया सो हो गया, किसी की आँख फूट जाती तो आज भी उसको शुक्राचार्य कहते। वैसे इस कथा का बड़ा सुंदर अर्थ है, शुक्राचार्य दो आँखों से देख रहे थे, मेरा तेरा कर रहे थे, अपना तेरा, भक्तों भगवान में भेद मान रहे थे। भगवान ने एक आँख कर दी, द्वैत दृष्टि को हटा के अद्वैत दृष्टि कर दिया, बोले दो आँखों से मत देखो, एक ही आँख से देखो, हम एक ही तत्व है, कोई तत्व दूसरा नहीं है। इसलिए द्वैत की निवृत्ति की है, अद्वैत दिया है शुक्राचार्य जी के लिए, कि सिवाय परमात्मा के संसार में कुछ है ही नहीं, वही है सब कुछ। ऐसे इस कथा का अर्थ निकाला जाता है। जो संकल्प पूरा हुआ, भगवान का शरीर विराट बना, एक पैर ऊपर को चला गया, एक नीचे को चला गया,
भूर्व स्व महाजना तप सत्यलोक में भगवान का अंगूठा पहुंचा। इस ब्रह्मांड पे सात आवरण है, उसके बाद बिरजा जी बह रही है, बिरजा गंगा बह रही है। सो भगवान का जो अंगूठा सत्यलोक में पहुंचा है उसके नाखून से ये सात आवरण में ब्रह्मांड के में छेद हो गया है और छेद के द्वारा वो अंगूठा बिरजा नदी में पहुंचा है। बिरजा गंगा का जो जल था वो अंगूठा के नाखून के सहारे सहारे आना शुरू हुआ सत्यलोक में। जो ब्रह्मा जी ने देखा कि दिव्य जल चला आ रहा है उसका बिरजा मैया का, सो धातु कमंडल जलम तदुरुक्रमस्य, ब्रह्मा जी ने उस जल को फिर कमंडल में ले लिया और उसी से फिर चरण धोया, वही गंगा जल हुआ है जो हमारे देश में भागीरथी के रूप में बह रहा है। यही बिरजा जी हैं जो सन्यासियों को नग्न स्नान बिरजा स्नान कराया जाता, उसके पार है उनका धाम, वो तो फिर देह रहित होकर उस धाम में पहुँच जाते। त्रिपाद ऊर्धम, तीन पाद विभूति तो दिव्य लोकों में, एक पाद विभूति में संपूर्ण ब्रह्मांड है। रोम रोम प्रति लागे कोटे कोटे ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड है, इसलिए उनकी कोई कह नहीं सकता। अब एक पैर नीचे को चला गया, तल अतल बितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल नपगे, दिशाएं नप गई शरीर से। भगवान बोले द्वाभ्याम क्रांता मही सर्वा तृतीय उपकल्पय, बलि तुमने तीन चरण दान देने की कही थी पर ये लोग तो दो में ही नप गए हैं। जाम्बवान रिच्छ राजस्तु भेरी शब्द इन मनोजवा, अब जाम्बवंत ने देखा कि भगवान का इतना रूप है तो जाम्बवंत ने नगाड़ा उठाया और एक घड़ी में तीन परिक्रमा कर दी उनकी, इतनी तेज चाल थी जाम्बवंत की और भगवान के विजय की घोषणा आती कर दी सब जगह। उधर भगवान कह रहे हैं बताओ तीसरा चरण कहाँ पूरा होगा, तुम्हारे गुरु ने कहा था कि संकल्प करके दिया नहीं जाता तो नरक जाना पड़ता है, अब जाओ नरक को तुम, पर धन्य बलि के लिए घबराए बिल्कुल नहीं है उस समय। इसी को तो धर्म कहते हैं, पहला लक्षण है धर्म का धैर्य रखना, धृति क्षमा दमोस्ते शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। बलि बोले महाराज ये लोग तो मेरे हैं नहीं, मैं तो इनसे अलग हूँ, ये शरीर मेरा है मैं शरीर थोड़े हूँ, मन मेरा है मैं तो मन से अलग हूँ, बुद्धि से अलग हूँ, अहंकार से अलग हूँ, मैं तो साक्षी हूँ। महाराज व्यवहार में भी ये लोक मेरे हैं, मैं मेरा शरीर अभी नहीं नापा, आपने लोक नापे, मैं अलग हूँ। अब एक काम करिए, करो मृतम तन्न भवेत प्रलम्बनम पदम तृतीयम कुरु श्रीष्ण में निजम, अब मैं आपके चरणों में लेटा जाता हूँ और मेरे सिर पे आप पैर रख लीजिए, आपका दान पूरा हो जाएगा, शरणागत हो गया। पहले झुके नहीं थे बलि ने, प्रणाम नहीं किया था, जो बलि ने ये कहा कि मेरे सिर पे चरण रख लीजिए, भगवान प्रसन्न हो गए, धन्य बलि तुम्हारे लिए। आज बाबा की अंतिम भक्ति पे पहुंच गए प्रहलाद की पे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदन, शरणागत हो जाना। बलि ने कहा महाराज मेरे सिर पे चरण रखिएगा, भगवान प्रसन्न हो गए उस समय पर। और बलि से कहा अच्छा नाप कराओ, कैसे नाप होता है। बलि चरणों में लेट गए हैं और भगवान बामन उंगल के बन गए हैं और भगवान ने बलि के सिर पे पैर रख दिया है, कहाँ तो बलि ने प्रणाम नहीं किया था, कहाँ बलि शरणागत हो गए हैं। जो भगवान ने पैर रखा तो आधे सिर पे पैर पूरा हो गया। अब ऐश्वर्य शक्ति घबराई भगवान की कि ये तो नाप पूरा हुआ जाता भगवान का ऐश्वर्य कम हो जाएगा, ऐश्वर्य शक्ति ने पैर बढ़ाना शुरू किया, सो भगवान की करुणा शक्ति प्रकट हो गई और करुणा शक्ति ने ऐश्वर्य शक्ति का हाथ पकड़ लिया। बोले देवी दो पैर बढ़ा करके तुमने तीन लोक नाप लिए और ये भक्त का शरीर है, जैसे तुम अंदर रहती हो भगवान के ऐसे मैं करुणा भी अंदर रहती हूँ, अब मैं इस पैर को बढ़ने नहीं दूंगी। अंत में ऐश्वर्य शक्ति पैर बढ़ाना चाहती है, करुणा शक्ति रोक लगाए खड़ी हुई है, पैर नहीं बढ़ सका, बलि का दान है ते पूरा हो गया, जय जयकार होने लगी है, फूलों की वर्षा है ते होने लगी। बोले बामन भगवान की जय। अंत में भगवान प्रसन्न हो गए हैं और कहा अजय सीता जय अम्बायाम, प्रहलाद जी पास में खड़े थे बाबा उनके, प्रहलाद जी आज मेरे बलि ने अजय सीता अजय अम्बाया मेरी अजय माया को जीत लिया है। सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिका नो भिन्नाप्य भिन्नाप्य उभयात्मिका नो सांगाप्य सांगाप्य उभयात्मिका नो महाद्भुता निर्वचनीय रूप। शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं कि माया को न सत्य कह सकते हो न असत्य कह सकते हो न सत्यासत्य कह सकते हो, वही केशव कही न जाए का कहिए, यही सिद्धांत है। को कह सत्य झूठ कह कोई उभय प्रबल को माने तुलसीदास परिहर तीन ब्रह्म जो आप पहचाने केशव कही न जाए का कहिए
सिवाय पर ब्रह्म के कुछ है, हमारे सिवाय कुछ है ही नहीं, खेल नाटक हो रहा है। और शंकराचार्य जी लिखते हैं भिन्नाप्य भिन्नाप्य उभयात्मिका नो, और सांगाप्य सांगाप्य उभयात्मिका नो, सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिका नो, न ये भिन्न है न भिन्न है, भिन्न भिन्न नहीं है, न सांग है न निरंग है, न सांगो निरंग है, न सत्य है न सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिका नो, न सत्य है न असत्य न सत्यासत्य, महाद्भुता निर्वचनीय रूपा। ये महान अद्भुत है माया, अव्यक्त नारी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिकाया कार्यानुमेया सुधियैव माया ययामिदं सर्व जगत प्रसूयते। केवल कार्य से अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई शक्ति है जरूर जो संसार को बना रही है, ऐसे माया का बताया, माया दिखती थोड़ी है, न इसका वचन जो है इसका निर्वचन हो सकता है। आज इसने अजय मेरी अजय माया को जीत लिया है, ये सुतल लोक में निवास करेंगे, इनके महल के बामन दरवाजे में हर एक दरवाजे में पहरा दे देता रहूँगा, और आगे चल के ये इंद्र बनेंगे चल के। उधर बलि महारानी खड़ी थी, मांग ले राज तिहूँ पुर को, और मांग यथा बैकुंठ निशानी, इंद्र को इंद्रासन मांग ले सत्तर एक जयी मिजवानी, सोलह सिंगार बत्तीस भूषण और दो कर जोर के ले रजधानी, बारम्बार पुकार तो हो तो और मांगन हो सो मांगे ले रानी। देवी तेरे बिना भी दान पूरा नहीं हो सकता था, आज जो चाहे मुझसे ले सकती हो, तीनों लोग मैं तुम्हें दे सकता। विंध्यावली ने हाथ जोड़ के कहा, एक ही श्लोक है विंध्यावली का पूरे भागवत में जो उन्होंने कहा है, क्रीड़ार्थमात्मन मिदन त्रिजगत कृतन से, हे प्रभु ये संसार तो आपने खेल के लिए बनाया था, और स्वाम्यम तो तत्र कुदी हो पर ही सकूरी, उसमें जो खराब बुद्धि वाले हैं वो स्वाम्यत्व करते हैं कि ये मेरा है, अरे सब माल तुम्हारा, त्यक्त हरिय मेरे पति तो लज्जा रहे तो हो गए थे जो उन्होंने ये कह दिया कि मैं दे दूंगा, देंगे कहाँ थे, माल तो तुम्हारा ये सबका। एक ही श्लोक है भागवत में इनका विंध्यावली का जो इस प्रकार का है कि सब माल भगवान का और मेरे पति ने कह दिया कि मैं दूंगा आपको दान, कहाँ से दान देंगे, इनका खुद का तो कुछ है ही नहीं। विंध्यावली कहती है कि हाड़ ला हारे दई धरनी और फिर न पाँव धरो महिमाई, महाराज हमारे देश के पक्षियों ने दान किया, आज तक पैर नहीं रखा है पृथ्वी पे हाड़िल ने, क्योंकि दान कर दिया था उसने पृथ्वी का, हाड़िल हार दई धरनी और फिर न पाँव धरो महिमाई, रैन को त्याग गई चकई और कंतकों देखत शत्रु की नाई, ऐसे जो प्रभु दानी हते तुम क्यों मोपते द्वार पसारते माई, और मेरे ही द्वार के मांगने ओ प्रभु मंगन पे हम मांगत नाई, दे करके मैं कैसे ले लूँगी उसे, दे करके तो लिया ही नहीं जाता है, ये सिद्धांत है शास्त्र का कि दे करके लेना नहीं चाहिए। एक दस मिनट की कथा और है, समय ज़्यादा हो गया कोई बात नहीं। ये जिस समय राम जी ने लंका पर राज्य कर लिया है तो विभीषण ने कहा, जब राम जी ने माने अधिकार कर लिया, रावण को मार दिया, विभीषण को राज्य दे दिया और चले अयोध्या को, तो विभीषण ने कहा महाराज यहाँ से कुछ ले जाओ। राम जी ने बंदरों से पूछा कि भाई बताओ क्या ले जाऊँ यहाँ से, बंदर सीधे साधे बेचारे चुपचाप रह गए। जामवंत मंत्रियत बूढ़ा, तब जामवंत ने कहा है कि महाराज मैं बहुत बूढ़ा हो गया, मैंने सब चीज़ें देखी पर एक चीज़ नहीं देखी। भगवान राम ने कहा कि कितने बूढ़े हो गए, क्या देखा क्या नहीं देखा। रामचरितमानस में इतना लिखा है कि राम जामवंत मंत्रियत बूढ़ा, पर बूढ़े कितने ये कहीं नहीं लिखा है, इसलिए पुराणों को पढ़ना पड़ेगा तब पता लगेगा कि जामवंत बूढ़े कितने थे। ले नाना पुराण निगमागम सम्मतम, यद बिना संस्कृत पढ़े बिना वेद पढ़े बिना पुराण पढ़े रामायण कैसे लग जाएगी, ये तो हिंदी अर्थ लोगों ने लिख दिया अपने अपने आधार से, वो पढ़ते रहते हो पर शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में। तो जामवंत कहते हैं मैं कितना बूढ़ा हूँ, इंद्रो द्वेक्ष अमंथ पूर्व मुदधिम पंचाननम पद्मजम, मैं इतना बूढ़ा हूँ कि मैंने इंद्र के दो आँखें देखी हैं, गौतम ऋषि का साहब मेरे सामने लगाए और हजार नेत्र हुए इनके। इंद्रो द्वेक्ष अमंथ पूर्व मुदधिम पंचाननम पद्मजम, मैंने उदधि माने समुद्र को अमंथ देखा है, बिना मंथन के देखा है, मेरे सामने समुद्र मथा गया है, और पंचाननम पद्मजम इतना बूढ़ा हूँ कि मैंने ब्रह्मा के पाँच मोह देखे और एक मोह शंकर जी ने मेरे सामने काटा है जो उनके हाथ से चिपक गया था, तीनों लोगों में घूमे कहीं हाथ से वो ब्रह्मा का सिर नहीं छूटे, तब बद्री नारायण में पहुँचे ब्रह्म कपाली पे और जैसे ही वहाँ हाथ रखा सो ही सिर छूट गया है, इसलिए उसको ब्रह्म कपाली आज भी कहते हैं, वहाँ ब्रह्मा का जो सिर लग गया था चिपक गया था वो वहीं छूटा है, अंतिम पिंडदान वहीं होता है जाके, ब्रह्म कपाली पे बद्री नारायण जाओ, गया श्राद्ध करके तो पिंड जरूर करना चाहिए।
तो इंद्रोद्यक्ष अमंतपुर मुदधिम पंचाननम पद्मजम शुद्धम नीर निधिम शिवम सिद्धिगलम। मैंने समुद्र को मीठा देखा है, मेरे सामने खारा हुआ है। शिवम सिद्धिगलम, शंकर जी को मैंने सफ़ेद गले का देखा है, मेरे सामने नीलकंठ बने। और लक्ष्मी पते पिंगलम, मैंने भगवान विष्णु को पीले रंग का देखा है, मेरे सामने सांवले हुए। आप सोचिएगा भगवान का रंग कैसा था, कैसे बदला है। सही लान पक्षयुतान तथा पिचयान, मैंने घोड़ों के और पर्वतों के पंख देखे हैं, मेरे सामने काटे गए हैं। सही लान पक्षयुतान तथा पिचयान और शुक्रंच पूर्ण क्षणम, इतना बूढ़ा हूँ कि मैंने शुक्राचार्य के दोनों नेत्र देखे, मेरे सामने एक समाप्त किया गया है। और दृष्टम देहयुतम स्मरम रघुपति, हे रघुपति मैंने स्मरम कामदेवम, कामदेव को देह सहित देखा, मेरे सामने शंकर जी ने जलाया। इतना बूढ़ा हूँ पर एक चीज़ नहीं देखी है। भगवान बोले क्या नहीं देखा, बोले दत्तापहारम बिना, किसी को दे दिया गया हो फिर लिया हो उससे, मैंने आज तक नहीं देखा, आज ही देख रहा हूँ कि विभीषण को आपने लंका दे दी और वहाँ से लेना चाहते हो। सही भगवान उसी समय रह गए, फिर भगवान ने कुछ लिया नहीं है, दे करके लिया नहीं जाता है। भागवत में श्लोक आया हुआ है, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरिश्चय, अपनी दी हुई अथवा दूसरे की दी हुई ब्राह्मण की जीविका या मंदिर की जीविका का जो हरण करता है, षष्ठ वर्ष सहस्राणी विष्ठायाम जायते कृमि, वो 60,000 वर्ष तक कीड़ा बन के रहता है। इसलिए तुम्हारे पिता मंदिर को भी देंगे तुमको भी देंगे, तुम्हारा तुमको देंगे उससे पेट नहीं भरा तो मंदिर कैसे कैसे पेट भर जाएगा, ये सिद्धांत है संसार में। उधर विंध्या बलि की माता खड़ी थी और माता ने देखा तो माता कहने लगी कि जिस दिन मेरे पति विरोचन मरे थे मैं सती नहीं हुई थी, और शास्त्र में ये लिखा है कि माता यदि पुत्र बलवान हो तो माता को सती होने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए तो कौशल्या इत्यादि की सती नहीं हुई है। जानती थी हमारे पुत्र राम है, हमसे कोई हमको कुदृष्टि से देख ही नहीं सकता है। तो विंध्यावली के बलि की माता कह रही है कि भली भई मैं ना जली, मुझे मालूम था कि मेरा बलि कैसा लड़का है, मैं जल जाती तो इस चरित्र को कैसे देखती। भली भई मैं ना जली और बैरोचन के साथ ने इन आखिन कब देखती के हरी पसारत हाथ, कैसे पता लगता कि मेरे बच्चे के सामने दुनिया का मालिक हाथ फैलाए खड़ा हुआ है। अंत में इंद्र को बुलाया गया, उन्हें उनका राज्य दिया गया, स्वर्ग लोक दे दिया गया, बलि सुतल लोक में पहुंच गई। अब पहरा देना शुरू कर दिया भगवान ने, तो अब लक्ष्मी घबराएंगे, भगवान के बिना काम कैसे चलेगा। तब राखी पूनो को लक्ष्मी जी गई हैं सुतल लोक में और बलि के हाथ में राखी बांधी, पूनो के दिन राखी पूनो के दिन सावन में। बलि ने कहा बहन क्या चाहती, बोले हमारे पति को छोड़ दो, ये 12 महीने नहीं रह सकते, 4 ही महीने रहेंगे। और 4 महीने भगवान विष्णु रहते हैं पाता सुतल लोक में, 4 महीने ब्रह्मा जी रहते हैं, 4 महीने शंकर जी रहते हैं। अब शंकर जी कब आए हैं, जब चतुर्दशी आई है तब शंकर जी आए, इसलिए ऊपर गर्मी आ गई। आषाढ़ में जाते हैं भगवान विष्णु वहाँ, और देवठान तक रहते हैं, देवठान को भगवान विष्णु आते हैं इसलिए कहते हैं देवता उठ रहे हैं, और फिर पहुँचते हैं शंकर जी। तो पहले गर्मी ऊपर रहती है देवठान तक, जो शंकर जी अंदर पहुँचे फिर पानी में से धुआं निकलता है, क्योंकि भगवान की वहाँ जा करके धुनी रमती है, इसलिए तो धुआं आता है। बड़े रहस्य इन सब में इनका सोचना पड़ेगा, अब सोचने का समय ही नहीं है, अपने अपने चक्कर में पड़े हुए, जैसे होते ऐसे पैसा जितना मिल गया उससे भी जाना चाहिए, पेट भर ही नहीं पा रहा है। पृथिव्याम यदि ब्रीह एवं हिरण्यम पर सवा स्त्रिया, जितना संसार में सब कुछ है एक ही कस्य न पर्याप्त, तो एक को दे दिया जाए तो पेट नहीं भर सकता है। अंत में लक्ष्मी जी लेकर के आई हैं, इसलिए आज भी रामानुजाचार्य संप्रदाय में राखी पूनों को भगवान के आने का पीठोत्सव मनाया जाता है। भगवान उपेंद्र बन गए, आज भी हमारी रक्षा कर रहे हैं, ऐसे चरित्र हुआ है। इस कथा का अर्थ है शुक्रमान वीर, यदि तुम ब्रह्मचर्य व्रत धारण करोगे तो बलशाली बन जाओगे, बली बन जाओगे। और तन मन धन का यदि सौंप दिया भगवान को, तन भी सौंप दो, मन भी सौंप दो, धन भी भगवान का ही मानो। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, यदि भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो कुटुंब का पालन स्वयं भगवान करेंगे, तुम्हारे अंदर बैठेंगे औरों के अंदर बैठेंगे और रास्ता देंगे और मार्ग बताएंगे, सब कुछ करेंगे। इसलिए तन मन धन भगवान को सौंपो, यही 3 चरण है। और जब तन मन धन भगवान को सौंप दोगे तो भगवान पहरा देंगे दरवाजे पर, दरवाजे कौन से, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना और बैठे देवता कर थाना, ये इंद्रिय दरवाजे हैं। अभी इन दरवाजों से काम क्रोध लोभ अंदर चले जाते हैं, और जब भगवान तन मन धन भगवान को सौंप दोगे तो भगवान का पहरा हो जाएगा, फिर काम क्रोध अंदर ही नहीं जा सकते हैं। एक बार रावण गया लड़ने के लिए बलि से, और भगवान वामन का पहरा था,
रावण ने कहा मैं बलि से लड़ने जाऊंगा। भगवान बोले मेरा पहरा लगा, अंदर नहीं जाने दूंगा। रावण ने जबरदस्ती की तो एक लात लगाई भगवान वामन ने, रावण लंका में गिरा, फिर कभी लड़ने नहीं गया। मोह दस मोल तद भ्रात अहंकार, इसलिए मोह का स्वरूप है। तो काम क्रोध लोभ से विजय प्राप्त करना है तो तन मन धन भगवान को सौंप दो। सूर संग्राम है घड़ी दो घड़ी का, सती संग्राम पल एक लागे। सूर वीर जब लड़ने युद्ध में जाता है तो घड़ी दो घड़ी में या तो शत्रु को मारता है या स्वयं मर जाता है, और सती जब जलने जाती है क्षण भर में समाप्त होती है। सूर संग्राम है घड़ी दो घड़ी का, सती संग्राम पल एक लागे। पर साधु संग्राम है रैन दिन जूझना, देह पर्यंत का काम भाई। पर हम महात्माओं का सज्जनों का रात दिन संग्राम छिड़ा हुआ है काम क्रोध लोभ से, और जब तक जिंदे रहेंगे तब तक चलता रहेगा। इसलिए नाम का खंजर बाज है, हाथ में नाम का खंजर ले लो, सीताराम राधे श्याम नमः शिवाय का जप करते रहो और भगवान के शरणागत हो जाओ। ये काम क्रोध कुछ नहीं कर सकते, भगवान के पास पहुंच जाएंगे। बोले राम कृष्ण भगवान की। आज की कथा यही रहेगी, समय पे आइए, 3:30 बजे से कथा शुरू होगी। बोले हनुमान हरि की। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। गोरे गोरे ग्वाल कारी कारी गैया, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया श्याम वरण मेरो मदन गोपाल हरी, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, हाँ छोटी छोटो सो छोटो सो मेरो मदन मेरो मदन गोपाल हरी, छोटो सो मेरो।